नमस्कार फ्रेंड्स नाम बबलू वर्मा पेपर हैकर में आपका स्वागत है तो आज हम देखने वाले हैं बीए थर्ड ईयर का हो जाता है हिंदी साहित्य का अपना तृतीय प्रश्न पत्र के जो एम सी क्यू हम देख रहे थे क्या एम सी क्यू जो हम देख रहे थे उसका जो रहने वाला है वो पार्ट रहने वाला है कौन सा पार्ट थर्ड इससे पहले मैंने दो पार्ट आपको पार्ट वन और पार्ट टू आपको मैंने प्रोवाइड कर रखा है नहीं दे रखा है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसका लिंक वीडियो का वहां पे जाके आप देख सकते हैं और फ्रेंड्स आपको जो बुक है ठीक है ये पीडीएफ जो है और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो जाते हैं ठीक है रिलेटेड जो हमारे इंपोर्टेंट है और दो तीन बुक है उस वहाँ से ले रखे हैं तो अगर आपको वह पी या नोट्स डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम पर आप जाके बिल्कुल डाउनलोड वहां से कर सकते हैं ठीक है नोट्स को तथा पीडीएफ को तो दोनों के दोनों वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में वहीं से आने वाले हैं हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन ठीक है तो बढ़ते हैं भाई क्वेश्चनों की ओर कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ जो वन बुक है वो पूरी पकाने वाला हूँ बाकी जो बुक है वो आपको वहां मिलेंगी पीडीएफ पर नोट्स में आपको देखने को मिलने वाली है ठीक है तो बढ़ते हैं भाई क्वेश्चनों की ओर फटाफट आ तो फ्रेंड्स हम क्या देखने वाले हैं आज हम देखने वाले हैं छायावाद युग से आगे की ओर ठीक है तो छायावाद से क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से आता है कि छायावाद का समय निर्धारित किया गया है ये आपको बताना है कौन सा निर्धारित किया गया है ठीक है फर्स्ट दे रखा है सोलह उन्नीस सौ तक या 1918 से 1938 तक 1920 से 1940 तक या फिर 1924 से 1936 तक तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है ये आपको यहाँ पर बताना है तो छायाबाद का जो समय हो जाता है वो हो जाता है 1916 से लेकर 1936 राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा आगे बढ़ते हैं प्रकृति में जीवन का उदगीत की उदगीत ही छायावाद है यह कथन किसका है यह आपको बताना है प्रकृति में जीवन का जो उदगीत है कि छायावाद है ये किसका कथन है ये किसने कहा था ये आपको बताना है सुमित्रा नंदन पंत ने जयशंकर प्रसाद ने महाप्राण महाप्राण निराला ने या फिर हो जाता है महादेवी वर्मा ने राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है ये आपको यहाँ पर बताना है तो प्रकृति में जीवन का उद्गीत ही छायावाद है ये कहा था महादेवी वर्मा ने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है यह कथन हिंदी के किस समालोचक का है यह आपको बताना है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है यह कथन किसका है डॉक्टर रामविलास शर्मा का डॉक्टर नागेंद्र का आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या फिर डॉक्टर नामवर सिंह का तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है यह आपको बताना है तो जिन लोगों का आंसर यहां पर आ चुका है नागेंद्र सिंह राइट आंसर हो जाएगा सॉरी नागेंद्र ठीक है डॉक्टर नागेंद्र आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आधुनिक हिंदी कविता की किस काव्यधारा को स्वर्ण युग कहा जाता है यह आपको बताना है आधुनिक हिंदी कविता की किस काव्य धारा को स्वर्ण युग कहा जाता है यह आपको बताना है कौन सा बिल्कुल राइट होगा भक्ति काल को क्या कहते थे स्वर्ण काल कहते थे अब यहां पर पूछा क्या काव्य धारा को हिंदी कविता की स्वर्ण कहा जाता है छायाबाद को प्रगतिवाद को प्रयोगवाद को या फिर नई कविता को राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यह आपको बताना है तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है यहां पर छायाबाद तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर छायावाद का दार्शनिक आधार है क्या है यह आपको बताना है पलायनवाद गांधीवाद सर्वात्मवाद या फिर दुखवाद तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है छायावाद का दार्शनिक आधार है तो का आंसर यहां पर आ चुका है सर्वात्मवाद राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सात ठीक है छायावाद का दार्शनिक आधार क्या है सर्वात्मवाद हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक हिंदी कविता की किस काव्य धारा में रहस्यवादी काव्य व्यक्ति अभिव्यक्ति मिलती है ये आपको बताना है आधुनिक हिंदी की कविता की किस काव्यारा में रहस्यवादी जो अभिव्यक्ति मिलती है वो किसमें मिलती है आपको बताना है प्रगतिवाद में प्रयोगवाद में छायावाद में या फिर नई कविता में राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है ये आपको यहां पर बताना है तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है भाई छायाबाद राइट आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कह रहा है देवना प्रियता आधुनिक हिंदी कविता की एक काव्य धारा की विशेषता है वह किसकी है ये आपको बताना है। नई कविता की प्रयोग की छायाबाद की या फिर की। हमारा क्या रहने वाला है ये आपको यहाँ पर बताना है तो जो है देवना प्रियता आधुनिक हिंदी कविता की किस काव्य धारा की विशेषता है तो वह छायावाद की हो जाती है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकृति का मानवीकरण है ना प्रकृति का मानवीकरण आधुनिक हिंदी की किस कविता का प्रमुख विशेषता है ये आपको बताना है प्रयोगवाद प्रकृतिवाद या फिर छायावाद तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल जिन लोगों का आंसर आ चुका है यहां पर छायावाद राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर दस ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है जो प्रकृति का सुकुमार कवि है वह किसे कहते हैं आपको बताना है जयशंकर प्रसाद को माखन लाल चतुर्वेदी को सुमित्रंदन पंत को या फिर महादेवी वर्मा को राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है ये आपको बताना है तो प्रकृति का जो सुकुमार है वो हम कैसे कहते हैं सुमित्रंदन पंत जी को कहते हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हायाबाद के कभी चतुस्य के अंतर्गत नहीं है हायाबाद के कभी के अंतर्गत नहीं है कौन है ये आपको बताना है जयशंकर प्रसाद महादेव वर्मा दिनकर या फिर निराला जी तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ये आपको बताना है छायावादी के कभी चतुष के अंतर्गत नहीं आते हैं तो वो कौन आते हैं कौन नहीं आते हैं भाई दिनकर जी नहीं आते हैं जयशंकर प्रसाद आते हैं महादेव वर्मा आती हैं निराला जी आते हैं मगर जो दिनकर जी हैं वह नहीं आते हैं तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा रहने वाला है आगे स्टार्ट होता है हमारा प्रगतिवाद ठीक है बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर कह रहा है छायावाद के बाद हिंदी साहित्य में कौन सा खंड का कालखंड आया था ये आपको बताना है छायावाद के बाद कौन आया था है ना यहां पर क्या है छाया की बात हो रही है किसी की कि छाया और यहां कह रहे हैं प्रगतिवाद ठीक है अगर कोई अपनी छाया ही देखता रहेगा तो वह आगे बढ़ेगा प्रगति के पथ पर बिल्कुल नहीं बढ़ेगा ठीक है इसलिए क्या है इसलिए छायावाद के बाद कौन आया था भाई प्रगतिवाद आया था अपनी परछाई की तरफ मत देखो आगे बढ़ो प्रगति की ओर ठीक है तो इस प्रकार से याद रहेगा कि छायावाद के बाद हिंदी साहित्य का कौन सा खंड काल आया था तो भाई प्रगतिवाद आया था राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आठ ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रगतिवाद का खंड काल क्या है ये आपको बताना है कालखंड क्या है उन्नीस सौ छब्बीस उन्नीस सौ छत्तीस उन्नीस सौ छत्तीस से लेकर उन्नीस सौ तैतालीस उन्नीस से लेकर उन्नीस या उन्नीस से लेकर उन्नीस राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ये आपको यहाँ पर बताना है तो प्रगतिवाद का जो खंडकाल आया था वो 1936 से लेकर उन्नीस आया था राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बार ठीक है, है, है। आगे बढ़ते हैं प्रगतिवाद के प्रवर्तक कवि कौन है ये आपको बताना है प्रवर्तक कवि यहां पर मुझ रखा है तो कौन हो जाते हैं यहाँ पर बताना है नागार्जुन पंत निराला या फिर आज्ञा कौन हो जाएगा राइट आंसर

माकर्साद तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है ये आपको यहां पर बताना है प्रगतिवादी कविता का जो दर्शन है वो क्या है माकर्ष हो जाता है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द आगे बढ़ते हैं हिंदी साहित्य के किस काल में शोषित वर्ग कविता का नायक बना हिंदी साहित्य के किस काल में शोषित वर्ग जो है वो कविता का नायक बना था कौन बनाता है आपको बताना है छायावाद प्रगतिवाद रीतिवाद रीतिकाल या फिर प्रयोगवाद राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है यह आपको यहां पर बताना है हिंदी साहित्य के किस काल में शोषित वर्ग कविता का नायक बना तो वो बनाता किसमें प्रगति बाद में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बार रहने वाला है आगे बढ़ते हैं कुरुक्षेत्र किसकी रचना है यह आपको बताना है कुरुक्षेत्र किसकी रचना है मैत्रीष गुप्त की रामधारी सिंह दिनकर की या फिर श्रीधर पाठक की बालकृष्ण शर्मा नबीन की तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कुरुक्षेत्र किसकी रचना है फटाफट में इसका आंसर दीजिएगा इसका आंसर क्या रहने वाला है तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है रामधारी सिंह दिनकर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बार ठीक है अब यहां से स्टार्ट हो जाता है प्रयोग बाद कह रहा है क्वेश्चन प्रयोगवाद का खंड काल है प्रयोगवाद का जो खंड काल है वह कौन सा था यह आपको बताना है 1920 से 1936 1936 से उन्नीस सौ से उन्नीस या फिर उन्नीस सौ से उन्नीस राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है यह आपको बताना है अभी हमने देखा था उन्नीस तक क्या था ऊपर हमने देखा था ठीक है प्रगतिवाद तो उन्नीस से लेकर क्या हो जाएगा उन्नीस हो जाएगा कौन प्रयोगवाद राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सात ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रयोगवाद के प्रवर्तक थे प्रवर्तक हैं कौन है ये आपको बताना है प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे फटाफट इसका आंसर देना है जगदीश चंद्र गुप्ता या फिर नैमी चंद जैन अज्ञा या फिर मुक्ति बोध राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है ये आपको बताना है प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे तो प्रयोग बाद के जो प्रवर्तक हो जाएंगे वो हो जाएंगे अज्ञे जी ठीक है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा रहने वाला है वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है यहां पर प्रयोग बाद के प्रयोग बाद के प्रगति बाद, बाद की कुछ ही से जन्म की बात किसने कही है प्रयोग बाद के प्रगति बाद की कुछ ही से जन्म की बात किसने कही है ये आपको बताना है प्रभा, प्रभाकर माचबे ने या डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने नेमी चंद जैन ने या फिर धूमिल ने राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यह आपको यहां पर बताना है तो प्रयोगवाद के प्रगतिवाद की कुछ ही की कुछ ही से की बात किसने कही है तो वो कही है डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब आगे बढ़ते हैं प्रयोगवादी कविता में प्रयोगवादी कविता से पूर्व का युग कहलाता है क्या कहलाता है ये आपको यहाँ पर बताना है प्रयोगवादी कविता से पूर्व का युग क्या कहलाता है छायावाद प्रगतिवाद नई कविता या फिर साठोत्तरी कविता राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है यह आपको यहां पर बताना है प्रयोगवादी कविता से पूर्व का युग कहलाता है क्या कहलाता है वह कहलाता है प्रगतिवाद राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बार ठीक है प्रयोगवादी कविता से पूर्व का युग क्या कहलाता है प्रगतिवाद कहलाता है आगे बढ़ते यहां पर प्रयोगवाद का दार्शनिक आधार है प्रयोगवाद का दार्शनिक आधार क्या है यह आपको बताना है अस्तित्ववाद पलायनवाद या फिर मनोविश्लेषणवाद राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ये आपको बताना है प्रयोगवाद का दार्शनिक आधार क्या कहलाता है मनोविश्लेषणवाद कहलाता है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अज्ञा के अनुसार तार सप्तक का क्या अर्थ है अज्ञा के अनुसार तार सप्तक का जो अर्थ है वो आपको बताना है क्या रहने वाला है सात कवियों का संकलन सात तारों का समूह सात विचारधाराओं का संकलन एक ही प्रकार के भाव चेतना पिरोए सात कवियों की रचनाओं का संग्रह तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहने वाला है ये आपको बताना है तो अज्ञा के अनुसार तार सप्तक का अर्थ क्या होता है एक ही प्रकार की भावचेतना के तार में सात कवियों की रचनाओं का संग्रह कहलाता है राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द आगे बढ़ते हैं अब तक कुल कितने तार सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं ये आपको बताना है अब तक कितने तार सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं तो इसका राइट right आंसर क्या रहने वाला है चार ठीक है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा तार सप्तक कितने हो चुके हैं भाई चार हो चुके हैं ठीक है ठीके? नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट की ओर कह रहा है प्रथम तार सप्तक के संपादक थे प्रथम जो तार सप्तक था उसके संपादक कौन थे यह आपको बताना है मुक्तिबोध नागार्जुन अज्ञेय या फिर बीरेंद्र मिश्र तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है यह आपको बताना है प्रथम तार सप्तक के संपादक कौन थे वो हो जाते हैं अज्ञेय जी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स आगे बढ़ते हैं द्वितीय तार सप्तक प्रकाशित हुआ जो द्वितीय तार सप्तक था वो कब प्रकाशित हुआ था ये आपको बताना है उन्नीस सौ इक्यावन में उन्नीस सौ इकसठ में उन्नीस सौ इकहत्तर में उन्नीस सौ इक्यासी में राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ये आपको बताना है तो द्वितीय तार सप्तक प्रकाशित हुआ था वो हुआ था अपने उन्नीस सौ इक्यावन में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आगे बढ़ते हैं दूसरे तार सप्तक का प्रमुख कवि कौन है तो दूसरा तार सप्तक हुआ था कब उन्नीस सौ इक्यावन में उसका जो प्रमुख कवि है वह आपको बताना है कौन हो जाता है प्रभाकर माचबे नरेश मेहता जगदीश गुप्त या फिर हो जाता है तुम्हारा धूमिल तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है यह आपको बताना है तो दूसरे तार सप्तक जो उन्नीस में हुआ था उसके जो प्रमुख कवि थे वो हो जाते हैं नरेश मेहता राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा आगे बढ़ते हैं तृतीय तार सप्तक प्रकाशित हुआ जो तृतीय तार सप्तक था वो कब प्रकाशित हुआ था ये आपको यहां पर बताना है उन्नीस सौ तिरपन या फिर उन्नीस तो राइट आंसर क्या हो जाएगा उन्नीस ठीक है तृतीय तार सप्तक जो हुआ था प्रकाश कब हुआ था उन्नीस में हुआ था राइट आंसर ऑप्शन नंबर सात आगे बढ़ते हैं चतुर्थ तार सप्तक प्रकाशित हुआ था कब हुआ था यह आपको बताना है उन्नीस सौ उनचास या उन्नीस राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है ये आपको बताना है तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है उन्नीस द राइट आंसर बिल्कुल रहने वाला है आगे बढ़ते हैं तार सप्तक को किस काव्य आंदोलन से संबद्ध माना जाता है तार सप्तक को किस काव्य आंदोलन से संबद्ध माना जाता है आपको बताना है छायावाद हालाबाद प्रगतिवाद या फिर प्रयोगवाद राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है यह आपको बताना है तो तार सप्तक को किस काव्य आंदोलन से संबद्ध माना जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगवाद से ठीक है राइट आंसर ऑप्शन नंबर द आगे बढ़ते हैं तार सप्तक में कितने कवियों को कितनी कवियों की कविताएं प्रकाशित होती हैं तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं प्रकाशित होती हैं है यह आपको बताना है पांच सात नौ या फिर ग्यारह तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इससे पहले हमने देखा था सात कविताओं का संग्रह होता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित तो में से कौन सा कवि प्रयोगवाद का कवि नहीं है प्रयोगवाद का कवि नहीं है आपको बताना है आज्ञा भवानी प्रसाद मिश्र मुक्ति बोध या फिर निराला जी राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है यह आपको बताना है तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है निराला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगवाद का जो कवि नहीं है वो कौन नहीं है निराला जी नहीं है ठीक है अब यहां से स्टार्ट क्या होती है नई कविता यहां से स्टार्ट हो जाती है तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है नई कविता का कालखंड जो है वो कौन सा है यह आपको बताना है उन्नीस सौ बीस से उन्नीस सौ छत्तीस उन्नीसो छत्तीस से उन्नीस सैतालीस उन्नीस सौ तैयार से उन्नीस त्रेपन उन्नीस त्रिपन से उन्नीस सौ साठ तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाई तक हमने क्या देखा था ऊपर देखा था ठीक है बाद अभी क्या हो जाएगी नई कविता स्टार्ट होगी उन्नीस से उन्नीस तक तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर दाह रहने वाला है आगे बढ़ते हैं नई कविता का दर्शन है नई कविता का जो दर्शन है वो क्या है ये आपको बताना है कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला है ठीक है मार्क दर्शक बाद मार्क्स बाद या फिर सर्वात्मवाद पलायनवाद अस्तित्ववाद तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है यह आपको बताना है तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है यहां पर अस्तित्ववाद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नई कविता का जो दर्शन है वो क्या हो जाएगा अस्तित्ववाद रहने वाला है आगे बढ़ते हैं प्रयोगवाद के पश्चात हिंदी कविता का कौन सा युग आता है प्रयोगवाद के पश्चात हिंदी कविता का कौन सा युग आता है ये आपको बताना है प्रगतिवाद नई कविता कविता या फिर छायावाद तो अभी हमने कौन सा देखा था नई कविता आती है प्रयोगवाद के बाद ठीक है आगे बढ़ते हैं नई कविता नामक पत्रिका का, का संपादक थे नई पत्रिका नई कविता जो है वो नामक पत्रिका के जो संपादक थे वो कौन हो जाते हैं ये आपको बताना है मुक्तिबोध जगदीश गुप्त रामकुमार वर्मा या फिर लक्ष्मी सागर बार से कौन सा यहां पर बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है यह आपको बताना है तो जिन लोगों का आंसर यहां पर आ चुका है बा डॉक्टर जगदीश गुप्त बिल्कुल राइट आंसर नई कविता नामक पत्रिका के संपादक कौन थे जगदीश गुप्त हो जाते है। आगे हैं आगे बढ़ते हैं इनमें से कौन सी प्रवृत्ति नई कविता में नहीं है लघु मानव की प्रतिष्ठा बौद्धिकता व्यंग के स्वर या फिर हो जाता है तुम्हारा रूढ़ी बाधिता

कविता कविता भोड़ी कविता उपयुक्त में से कोई नहीं तो अभी हमने कौन सी देखी थी नई कविता देखी थी नई कविता के बाद कौन सी आई है साठोत्री कविता आई है राइट आंसर ऑप्शन नंबर रहने वाला है ठीक है आगे बढ़ते हैं साठोत्री कविता के मूर्धान्य कवि माने जाते हैं मूर्धान्य कवि माने जाते हैं कौन माने जाते हैं ये आपको बताना है अग्ञे मुक्ति धूमिल या फिर नागार्जुन कौन सा यहां पर बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है ये आपको बताना है तो कह रहा है साठोत्री कविता के मूर्धन्य कवि माने जाते हैं वह अपने माने जाते हैं कौन धूमिल जी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा आगे बढ़ते हैं यह कह रहा है अजन बीपन क्या अजन बीपन किस युग की कविता की विशेषता है अजन बीपन किस युग की कविता की विशेषता है साठोत्री कविता नई कविता प्रगतिवाद या फिर प्रयोगवाद तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साठोत्री कविता ठीक है

या फिर नाट्यशास्त्र काव्य मीमाशा काव्य प्रकाश कौन सा यहां पर बिल्कुल राइट right आंसर अपना रहने वाला है ये आपको बताना है तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है नाट्यशास्त्र ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है काव्य रसात्मक काव्यम काव्य रसात्मक काव्यम उक्ति का संबंध किस आचार्य से है ये आपको बताना है काव्य रसात्मक काव्यम जो पंक्ति है वो किसकी है आचार्य राजशेखर आचार्य मम्म आचार्य या फिर आचार्य भम या आचार्य विश्वनाथ तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है यह आपको बताना है तो काव्य रसात्मक काव्यम जो हो जाती है वो हो जाती है आचार्य विश्वनाथ की राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री सावदार्थो सहितो काव्यम साबदार्थो साहितो काव्यम उक्ति किस आचार्य की है साब्दार्थो साहित्यो काव्यम उक्ति किस आचार्य की है या फिर कह सकते हैं साब्दार्थो साहित्यो काव्यम काव्य का एक लक्षण किस आचार्य ने दिया था यह लक्षण जो है वो किस आचार्य ने दिया था यह आपको बताना है आचार्य बामन, आचार्य हेमन हेमचंद्र आचार्य बाहम या फिर आचार्य राजशेखर राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है यह आपको बताना है तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है आचार्य बाहम बिल्कुल राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सा आगे बढ़ते हैं नाट्य शास्त्र के रचयिता है कौन है भरत मुनि आचार्य मम्मट या फिर आनंद बर्धन या हो जाता है लोल्लट राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा नाट्य शास्त्र के जो रचयिता हैं वो कौन हो जाते हैं तो वो अपने हो जाते हैं भरत मुनि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आगे बढ़ते हैं निम्न में से कौन सा ग्रंथ आचार्य मम्मट का है आचार्य मम्मट का कौन सा ग्रंथ है आपको बताना है धान्य लोक काव्य प्रकाश कवि प्रिया या फिर नाट्यशास्त्र तो नाट्यशास्त्र है ये हो जाता है अपने भरत मुनि जी का ठीक है अब यहां पर पूछ रहा है मम्मट का कौन सा है ये आपको बताना है तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है काव्य प्रकाश राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स रहा है, है आचार्य मम्म के काव्य के प्रयोजन स्वीकार किए हैं कितनों ने किए हैं ये आपको बताना है आचार्य मम्म्य के काव्य के प्रयोजन स्वीकार किए हैं तीन चार पांच छे कितने स्वीकार किए गए हैं ये आपको यहां पर बताना है तो जिन लोगों का आंसर आंसर आ चुका है छे, बिल्कुल राइट हो जाएगा आचार्य के जो काव्य हैं वो प्रयोजन स्वीकार किए गए हैं कितने छह स्वीकार किए गए हैं आगे बढ़ते हैं निम्न में से कौन सा काव्य गुण नहीं है काव्य गुण कौन सा नहीं है यह आपको यहां पर बताना है ओज प्रकाश माधुर्य या फिर उत्साह काव्य गुण नहीं है कौन सा काव्य का गुण नहीं है यह आपको बताना है ओज है प्रि प्रिया, आ, प्रसाद है माधुर्य है मगर जो उत्साह है वो नहीं है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर दह हो जाएगा आगे बढ़ते हैं बामन ने गुणों की संख्या कितनी बताई है जो बामन थे उन्होंने गुणों की संख्या कितनी बताई है आपको बताना है तीन दस बीस पच्चीस राइट आंसर क्या हो जाएगा बीस बताई है भाई बामन ने बासे बीस बासे बीस याद रखना ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा कृति भानिति भूति भली सोई सुर मम सब कह हित होई तो ये बताना है काव्य प्रयोजन से संबंधित उपयुक्त कथन किसका है कीर्ति भानिति भूति भली सोई या सुर सरी सम सुर सरी सम सब कह हित होई तो ये पंकृति किसकी है आपको बताना है सूर्यदास तुलसीदास केशवदास या फिर जाएगा तुलसीदास हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा यहां पर रहने वाले पंक्ति जो है वो किसकी है तुलसीदास की हो जाती हैं आगे बढ़ते हैं यहां पर भिखारी दास ने किस ग्रंथ की रचना की या में से कौन सा ग्रंथ भिकारी दास द्वारा रचित है पहला देखा है काँगे दिर्पड़, काँगे दिर्पड़, या फिर काँगे लोक हमारा क्या हो हो जाएगा जाएगा आपको बताना है 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 दास ने किस ग्रंथ की 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 रचना तो वो ऑप्शन नंबर कोई निर्णय नहीं ले पाते उनके पैसा ही नहीं प्रकार से कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं निम्न में से में से है चातुर्य औय

दोष ग्रामत्व दोष न्यून पदत्व दोष कौन सा यहां पर बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है यह आपको बताना है तो यहां पर हो जाएगा अपना क्लिस्ट दोष कौन सा क्लिश्त दोष अपना हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर रहने वाला है आगे बढ़ते हैं काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होने पर कौन सा दोष होता है काव्य में अगर अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो कौन सा दोष होगा यह आपको बताना है न्यून पदात्म दोष अधिकवात्म दोष आक्रात्मक दोष या फिर दुष्कात्मक दोष कौन सा यहां पर बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है यह आपको बताना है तो वो हो जाएगा अधिक पदात्व दोष राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो कौन सा दोष होगा अधिक पदत्व दोष यहां पर रहने वाला है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा अब यहां से स्टार्ट हो होता है तुम्हारा काव्य शास्त्रीय संप्रदाय ठीक है बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर वन की ओर रस संप्रदाय के संप्रदक हैं रस संप्रदाय जो है उसके प्रवर्तक जो है वो कौन है ये आपको बताना है कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है राजशेखर आचार्य भरतमुनि आचार्य मम्मट फिर अभिनव गुप्त राइट आंसर क्या हो जाएगा रस संप्रदाय के संपादक हो जाते हैं वो हो जाते हैं राजशेखर जी राइट आंसर ऑप्शन नंबर आगे बढ़ते हैं मुनि ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो मुनि थे उन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था पहला होगा विरेचन सिद्धांत ध्वनि सिद्धांत वक्रोक्त सिद्धांत या फिर रस सिद्धांत राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है भरत मुनि ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था भाई रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कह रहे हैं रस सूत्र के प्रस्तोता हैं जो रस सूत्र है उसके प्रस्तोता कौन है यह आपको बताना है मम्मट जी भरत मुनि या फिर आनंद वर्धक वर्धन या फिर कुंतक राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है यह आपको बताना है तो रस सूत्र के जो स्त्रोता हैं वो कौन हैं वो हो जाते हैं प्रस्त्रोता भरत मुनि जी राइट आंसर ऑप्शन नंबर आगे बढ़ते हैं ये विभा है विभाव सॉरी विभावानु भाव संचारी संयोगा दृश निष्पता निष्पत्ति यह सूत्र किसका है यह आपको बताना है बहुत ही लंबा है कैसे पढ़ सकते हो है ना नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको बताना यह सूत्र किसका है दांडी का भरत मुनि का का उपयुक्त में से कोई नहीं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई भरत मुनि का है ध्यान रखना ठीक है किसका है आगे बढ़ते हैं। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है ये आपको बताना है भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है चार छ आठ या फिर नौ तो भरत मुनि के अनुसार जो की संख्या है वो कितनी है आठ है वेरी इंपोर्टेंट आगे बढ़ते हैं कह रहा है यहां पर रस रस सूत्र के व्याख्याकार जिन्होंने अनुमितिवाद का प्रति प्रवर्तन किया था वह किसने किया था यह आपको बताना है रस सूत्र के व्याख्याकार हैं जिन्होंने अनुमितिवाद का अनुमितिवाद का प्रवर्तन किया था किसने किया था यह आपको बताना है भट्ट भत, लोलट भट्टनायक आचार्य संकक अभिनव गुप्त राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है तो लोगों का आंसर आ चुका है आचार्य संक बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है प्रवर्तक कौन है हो जाता है आचार्य संकक आगे बढ़ते हैं यहां पर इनमें से किसने आ, रस सूत्र की व्याख्या नहीं की रस सूत्र की व्याख्या किसने नहीं की थी ये आपको यहां पर बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा पहले रखा है भट्ट लोलट ने संकुक ने भट्ट नायक ने या फिर बामन ने राइट आंसर क्या हो जाएगा रस सूत्र की व्याख्या नहीं की तो वैक्सी नहीं की थी बामन जी ने नहीं की थी राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा आगे बढ़ते हैं नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या कितनी बताई गई है जो नाट्य शास्त्र है उसमें रसों की संख्या कितनी बताई गई है आठ नौ दस या फिर ग्यारह नाट्यशास्त्र में रसों की संख्या कितनी बताई गई है भाई आठ बताई गई है और भरत मुनि के अनुसार भी आठ ही बताई गई है राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आ, आगे बढ़ते हैं व्यभिचारी भावों की संख्या है जो व्यभिचारी भाव होते हैं उनकी संख्या कितनी है यह आपको बताना है तैतीस चौतीस पैंतीस या फिर अड़तीस जो व्यभिचारी भाव है उनकी संख्या कितनी है भाई तैतीस है और व्यंजन भी कितने होते हैं तेतीस ही होते हैं ठीक है ठीके? आगे बढ़ते हैं व्यंजन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन भरतमुनि के अनुसार सात्विक भाव है भरतमुनि के अनुसार जो सात्विक भाव है वह कितने हैं आपको बताना है सात आठ नौ या फिर दस सात आठ नौ या फिर दस तो मुनि के अनुसार जो सात्विक सा, जो भाव हैं मतलब जो के भाव हैं वो कितने हैं भाई आठ ही है राइट आंसर ऑप्शन नंबर भा थोड़ा घुमाकर देखा है सात्विक भाव और रस भाव बातें की है आगे बढ़ते हैं निम्न में से किस आचार्य को रसवादी नहीं माना जाता रसवादी नहीं माना जाता किसे नहीं माना आपको बताना है मुनि पंडित राज जगन्नाथ विश्वनाथ या फिर आनंद वर्धन तो राइट आंसर हमारा क्या रह जाएगा ये आपको बताना है निम्न में से किस आचार्य को रसवादी नहीं माना गया है भरतमुनि हो जाते हैं पंडित रा पंडित राज जगन्नाथ भी हो जाते हैं विश्वनाथ भी हो जाएंगे मगर जो आनंद वर्धन है वैसके नहीं होंगे तो राइट आंसर कौन सा जाएगा ऑप्शन नंबर दा रहने वाला है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आचार्य संकुक का संबंध किस संप्रदाय से है आचार्य संकुक जो हैं उनका संबंध किस संप्रदाय से है रस संप्रदाय अलंकार संप्रदाय औचित्य संप्रदाय रीति संप्रदाय कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यह आपको बताना है तो आचार्य संकुक जो हो जाते हैं वो रस संप्रदाय से हो जाते हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ आगे बढ़ते हैं अनुभाव के भेद हैं अनुभाव के भेद कितने हैं आपको बताना है दो तीन चार पांच अनुभाव के भेद कितने हैं यह आपको बताना है तो अनुभाव के जो भेद हो जाते हैं वो कितने हैं चार हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सात आगे बढ़ते हैं साधारणीकरण आलंबन आलम्बनत्व धर्म का होता है साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है इस मत के प्रतिपादक हैं कौन है आपको बताना है डॉक्टर नागेंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल बाबू श्याम सुंदर दास आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यह आपको बताना है तो साधारणीकरण कर अलंबनत, धर्म का जो होता है वो कौन है वो जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ये इनका मत है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है ये आपको बताना है वीर रस का जो स्थाई भाव है रति क्रोध उत्साह या फिर शोक तो वीर लोग क्या करते हैं भाई उत्साह होता है उनमें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रति किस रस का स्थाई भाव है श्रृंगार रस वीर रस रस करुण रस करुण का शोक वीर का उत्साह रोद्र का हो जाएगा क्रोध तो एक ही बच जाता है श्रृंगार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ आगे बढ़ते हैं रस सिद्धांत ग्रंथ के लेखक हैं रस सिद्धांत ग्रंथ जो है रस सिद्धांत ग्रंथ है उसके लेखक कौन है यहां आपको बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल डॉक्टर नागेंद्र श्याम सुंदर दास आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ये आपको यहाँ पर बताना है ठीक है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र जी हो जाएंगे रस सिद्धांत के ग्रंथ के लेखक ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वह कौन है ये आपको बताना है आचार्य दंडी आचार्य भामा और राजशेखर या फिर जयदेव तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ये आपको बताना है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हो जाते हैं वो हो जाते हैं आचार्य भामह आचार्य भामह आगे बढ़ते हैं कह रहे है काव्य काव्य अलंकार किसकी रचना है अलंकार जो है वो किसकी रचना है आपको बताना है आचार्य विश्वनाथ की आचार्य राजशेखर की आचार्य भामा की या फिर भट्ट नायक की राइट right आंसर हमारा क्या हो जाएगा ये आपको बताना है अलंकार किसकी रचना है तो वो हो जाती है आचार्य भामा की किसकी आचार्य भामा की आगे बढ़ते हैं कह रहा है भूषण बिन तु भूषण बिन ना बिराजही भूषण बिन ना बिराजही कविता बनिता मित्त यह कथन है किसका है यह आपको बताना है भूषण बिनुना बिराजही कविता बनिता मित्त यह कथन जो है वो किसका है पद्मा पद्माकर का देव का भूषण का या फिर केशव का तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यह केशव दास जी का है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द आगे बढ़ते हैं रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन माने जाते हैं यह आपको बताना है जो रीति संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं आचार्य मम्मट आचार्य राजशेखर रुद्रट या फिर आचार्य बामन तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है यह आपको बताना है रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हो जाते हैं आचार्य बामन राइट आंसर ऑप्शन नंबर द आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा आचार्य बामन ने रीति के वर्गीकरण किए हैं आचार्य बामन ने रीति के वर्गीकरण कितने किए हैं ये आपको यहां पर बताना है कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला है दो तीन चार पांच जिन लोगों का आंसर आ चुका है चार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां पर कौन सा संप्रदाय गुण संप्रदाय के नाम से जाना जाता है कौन सा संप्रदाय गुण संप्रदाय के नाम से जाना जाता है ध्वनि संप्रदाय रस संप्रदाय रीति संप्रदाय या फिर औचित्य संप्रदाय राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ये आपको बताना है कौन सा संप्रदाय गुण संप्रदाय के नाम से जाना जाता है तो वह हो जाता है रीति संप्रदाय राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा आगे बढ़ते हैं रिति को वृत्ति किस आचार्य ने कहा है रीति को वृत्ति किस आचार्य ने कहा है यह आपको यहां पर बताना है पहला दे रखा है आनंद बर्मन मम्मट राजशेखर या बामन तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा तो जिन लोगों का अभी आंसर आ चुका है रिति प्रवृत्ति का जो किस आचार्य ने कहा है रीति को वृत्ति किस आचार्य ने कहा है तो वह कहा है किसने राइट आंसर मम्म जी ने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है आनंद बर्धन ने रीति को क्या नाम दिया है आनंद बर्धन जो है उन्होंने उन्होंने रीति को क्या नाम दिया है यह आपको बताना है कौन सा बिल्कुल राइट होगा पहला वृत्ति गुण संघटना या फिर मार्ग कौन सा यहाँ पर राइट होगा आनंद बर्मर्धन ने जो रीति को जो नाम दिया है वो क्या दिया है यह दिया है संघटना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सात आगे बढ़ते हैं आचार्य कुंतक ने आचार्य कुंतक ने रीति को क्या नाम दिया है आचार्य जो कुंतक थे उन्होंने रीति को क्या नाम दिया था गुण संगठना वृत्ति या फिर मार्ग तो आचार्य कुंतक ने रीति को क्या कहा है रीति को मार्ग कहा है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आचार्य दंडी ने किस कृति की रचना की आचार्य दंडी ने किस कृति की रचना की थी आपको बताना है काव्य दर्श नाट्यशास्त्र काव्य प्रकाश साहित्य साहित्य दर्पण राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यह आपको बताना है तो आचार्य दांडी ने किस कृति की की थी वो हो जाता है काव्य दर्श राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ओर निम्न में से किस विद्वान ने ध्वनि को काव्यात्मा माना है निम्न में से किस विद्वान ने ध्वनि को, को काव्यात्मा माना है तो वह किसने माना है ये आपको यहां पर बताना है अभिनव गुप्त ने आनंद बर्धन ने भामह ने आचार्य बामन ने तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा आनंद बर्धन ने राइट आंसर ऑप्शन नंबर रहने वाला है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्यों नेक्स्ट क्वेश्चन ने कह रहा है कि ध्वनिवादी आचार्य ने काव्य की कितनी कोटियां स्वीकार की हैं ध्वनिवादी आचार्यों ने काव्य की कितनी कोटियां स्वीकार की हैं आपको बताना है दो तीन चार पांच कौन सा यहां पर बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है तो ध्वनिवादी कवियों ने काव्य की कितनी कोटियां स्वीकार की हैं तीन कोटियां स्वीकार की हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्वनिया लोक किस आचार्य की रचना है जो ध्वनिया लोक है वह किस आचार्य की रचना है ये आपको बताना है आचार्य मम्मट आचार्य आनंद अभिनव गुप्ता या फिर पंडित राज जगन्नाथ राइट right आंसर हमारा क्या रहने वाला है ये आपको बताना है धान्य लोक किस आचार्य की रचना है वो है आचार्य आनंद वर्धन की किसकी आचार्य आनंद वर्धन की नेक्स्ट क्वेश्चन की।, की बात करते हैं इनमें से कौन सा आचार्य बक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक है बक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है यह आपको बताना है अभिनव गुप्त आचार्य बामन आचार्य कुंतक या मम्मट राइट right आंसर हमारा क्या रहने वाला है ये आपको बताना है तो इनमें से कौन सा आचार्य बकरोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक है वह हो जाता है आचार्य कुंतक राइट आंसर ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं काव्य काव्य जी, का किसने कहा है आचार्य कुंतक ने आचार्य भामा ने आचार्य रुद्रट ने आचार्य दंडी ने राइट right आंसर हमारा क्या रहने वाला है ये आपको बताना है बकरोक्ति काव्य जीवात्म किसने कहा है तो वह हो जाते हैं आचार्य कुंतक ने राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ आगे बढ़ते हैं निम्न में से कौन सा संप्रदाय आचार्य छेमेंद्र से संबंधित है आचार्य छेमेंद्र से संबंधित है रीति बकरोक्ति ध्वनि या फिर औचित्य कौन सा यहां पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है ये आपको बताना है तो निम्न में से कौन सा संप्रदाय आचार्य छेमेंद्र से संबंधित है वो हो जाता है औचित्य राइट आंसर ऑप्शन नंबर द अपना हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कह रहा है अभिनव्य जनाद अभिनव नब्ब, अभिनव्य जनवाद अभिनव्य जनवाद भारतीय वक्रोक्ति बाद का बिलायती उत्थान है यह कथन किसका है यह आपको बताना है अभिनव जनाबाद भारतीय वक्रोक्ति बाद का बिलायती उत्थान है यह कथन किसका है आपको बताना है डॉक्टर नागेंद्र का बाबू श्याम दास का आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आचार्य नंद दुल वाजपेयी का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यह आपको बताना है। अभी दब, अभी, अभी, अभी भारतीय का बिलायती उत्थान है यह हो जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आचार्य छेमेंद्र के लक्षण ग्रंथ का क्या नाम है आचार्य छेमेंद्र के लक्षण ग्रंथ का क्या नाम है यह आपको बताना है कौन सा बिल्कुल राइट होगा औचित्य विचार चर्चा काव्य प्रकाश नाट्यशास्त्र या फिर दसरूपण दसरूपक राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा आचार्य छेमेंद्र के लक्षण ग्रंथ का क्या नाम है औचित्य विचार चर्चा राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है औचित्य सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वह कौन है ये आपको बताना है कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला है आचार्य मम्मट आचार्य भामा आचार्य छेमेंद्र आचार्य कुंतक तो औचित्य सिद्धांत के जो प्रवर्तक हो जाते हैं वो अपने कौन हो जाते हैं आचार्य छेमेंद्र हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सात नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है काव्य प्रकाश के रचयिता हैं काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है ये आपको यहां पर बताना है कौन सा बिल्कुल राइट होगा ठीक है

निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संप्रदाय नहीं है आपको बताना है रस संप्रदाय रीति संप्रदाय बकरोक्ति संप्रदाय या श्री संप्रदाय श्री संप्रदाय का नाम आपने कभी नहीं सुना होगा तो यही संप्रदाय का नाम नहीं है आगे बढ़ते हैं निम्न में से कौन सा हिंदी का रीतिकालीन आचार्य है हिंदी का जो रीतिकालीन आचार्य है वो कौन है आपको बताना है मम्मट जी मुनि या फिर विश्वनाथ या फिर केशवदास राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ये आपको बताना है जिन लोगों का आंसर आ चुका है रीतिकालीन का चारे है। कौन तो यहां पर क्या हो जाता है? का, हिंदी का, का पूरा पूरा समाप्त हो जाता है और भी इसके नोट्स नीचे हैं, जिन लोगों को भाई ये पीडीएफ चाहिए ये एक बुक का मैंने करवाया है अभी दो बुक और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके और भी बच गए हैं वो आपको क्या मिलेगा भाई एमसी आपको क्या करनी पड़ेगी भाई पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ेगी क्या पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ेगी वहां पर जाके टेलीग्राम पर जाइएगा वहां पे आपको एमसीक्यू पीडीएफ मिल जाएगी वहां पे डाउनलोड करके और भी आप क्वेश्चन इससे रिलेटेड पढ़ सकते हैं ठीक है थीके? तो मैं तो बस इतना ही बढ़ाऊंगा बाकी आपको क्या है पीडीएफ पीडीएफ लेके पढ़ना पड़ेगी तो फिर लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना टेलीग्राम पर जाके पीडीएफ को डाउनलोड करना तो फ्रेंड जय हिंद जय भारत